एक ऐसा सीरियल किलर जिसको रियल लाइफ का वैम्पायर कहा जाता था, क्योंकि वो जिन लोगों का खून करता था ना, उनका खून पी जाता था और उनकी बॉडी पार्ट्स के जो ऑर्गन्स होते थे ना, उनको सोडे के साथ घोल कर पी जाता था। मतलब उनकी खिचड़ी बनाकर खा लेता था। और ये इतना खतरनाक था कि ये इंसानों को तो क्या, जानवरों को भी नहीं छोड़ता था। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं ये बात क्लियर कर दूं कि छोटे बच्चे इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें। वैसे तो इसमें मैंने ऐसे कोई फोटोज या वीडियोज यूज नहीं किए हैं जो किसी को भी डिस्टर्ब करे, लेकिन फिर भी इस वीडियो का कंटेंट ऐसा है कि इस कहानी को सुनने के बाद, इस रियल घटना को सुनने के बाद, हो सकता है कई दिनों तक इसका असर आपके दिमाग पर रहे। तो इस वीडियो में इस रियल लाइफ वैम्पायर के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ में बताऊंगा एक लड़की के साथ हुई घटना के बारे में। और लिटरली उस घटना को जानने के बाद आप कभी भी किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर पाओगे। तो समझ गए होगे कि ये है सीरियल किलर्स की सीरीज का पार्ट 4। और इस सीरीज में मैं आपको बताता हूँ एक से बढ़कर एक खतरनाक सीरियल किलर्स के बारे में, उनकी अतरंगी फैंटेसीज के बारे में, उनके मारने के तरीके के बारे में। तो अनूप सोनी को याद कर लो, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल का भी बाप, आज का ये तगड़ा वीडियो। January 27, 1978, एवलिन के घर का दरवाजा उसने लॉक नहीं किया था। दिन का समय था, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। उसके घर में था एक 6 साल का बच्चा जिसका नाम था जेसन, 22 साल का नेफ्यू डेविड और उसका फ्रेंड डैन। अचानक से उनके घर में एक इंसान घुस जाता है जो सभी लोगों को बेदर्दी से मार देता है, यहाँ तक कि वो बच्चों को भी नहीं छोड़ता। जब पुलिस आकर इस पूरे घटनाक्रम की जांच करती है तो पाती है कि सभी लोगों की बॉडी से खून चूस लिया गया है, और वो जो 3 बच्चे मौजूद थे उस घर में, उन सबके पेट काटकर उनके ऑर्गन्स को निकालने के बाद उनके साथ ऐसा काम किया गया है जो मैं बता भी नहीं सकता। और बहुत सारे ऑर्गन्स को तो एक गिलास में भरकर, उनकी खिचड़ी बनाकर उसमें सोडा मिलाकर वो कातिल पी गया था वहीं बैठकर। जब पुलिस वालों ने इस घटना को देखा तो उनका दिमाग घूम गया। उन्होंने कहा, ये किसी इंसान का काम तो हो ही नहीं सकता। मतलब कोई इंसान इतनी दरिंदगी वाले काम के बारे में सोच भी कैसे सकता है। लेकिन ये केवल एक घटना नहीं थी, उस समय शहर में इस तरीके की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सभी लोग अपने घर के दरवाजे लॉक रखते थे, खौफ में जीते थे कि कहीं कोई उनके घर में ना घुस जाए, और कोई ये भी नहीं जानता था कि ये जो कत्ल है ये कर कौन रहा है। लेकिन तुम्हारा भाई जानता है, ये कत्ल कर रहा था रिचर्ड नाम का बंदा। इसका पूरा नाम था रिचर्ड चेस, जिसके दिमाग का हिला हुआ था बेस और पुलिस नहीं कर पा रही थी उस पर कोई भी केस। वो लोगों के कत्ल करता था, उनको मारने के बाद लाश में से खून निकालकर पी जाता था। उसको बचपन से ही कुछ मानसिक समस्याएं रही थी, उसके पिता ने उसको घर से लात मारकर निकाल दिया था। जब वो 25 साल का था तो वो बुरी संगत में पड़ गया था, गलत चीजों का उसे एडिक्शन हो गया था। काफी लंबे समय तक उसको हॉस्पिटल में रखा गया था, उसका इलाज भी किया गया था, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, बल्कि उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई। वो एक कातिल बन गया। उसका सबसे पहला जो शिकार बना था उसी हॉस्पिटल में काम करने वाला एक असिस्टेंट बना था। उस असिस्टेंट ने उसको अकेले में कुछ ऐसा काम करते देख लिया था जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। जब रिचर्ड हॉस्पिटल में भर्ती था तो वो चुपचाप से छत पर जाता था और जो कबूतर बैठे रहते थे उनको पकड़कर उनका खून पिया करता था। और ये काम करते हुए रिचर्ड को उस हॉस्पिटल के एक असिस्टेंट ने देख लिया था। खैर, बड़ी सफाई से बिना किसी सबूत के उस असिस्टेंट को अपने रास्ते से हटाकर रिचर्ड हॉस्पिटल से निकल आया था। किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ, लेकिन उसके पड़ोसियों ने कई बार उसको नॉर्मल जानवरों को पकड़कर उनका खून पीते हुए जरूर देख लिया था। वो क्यूट क्यूट रैबिट्स लेकर आता था और उसके बाद उनका भी वही हाल करता था। लेकिन भैया, कब तक आकर पुलिस से बचेंगे ऐसे खतरनाक कातिल, क्योंकि इनमें दिमाग तो होता नहीं है, इनके अंदर भरी होती है सनक, और उसी सनक के चक्कर में ये ऐसे कांड करते हैं। और पुलिस ने जल्दी ही रिचर्ड चेस को चेस करके पकड़ लिया। और जब उससे पूछा गया कि भैया तुम ऐसे काम क्यों करते थे, तुम कैसे चुनते थे कि किसको मारना है, आखिर जिन लोगों को तुमने मारा उनसे तुम्हारी दुश्मनी क्या थी, तो रिचर्ड चेस ने बताया कि उन लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं तो उनको जानता तक नहीं था, मैं तो बस दरवाजे पर जाता था, जिसका दरवाजा बंद होता था मैं समझ जाता था कि भैया ये मुझे घर में नहीं आने देना चाहता, और जिसका दरवाजा मुझे गलती से भी खुला मिल जाता था तो मैं समझ जाता था कि वो कहना चाहता है कि आ आ और मुझे खा ले। जब पुलिस ने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की, सभी साइकेट्रिस्ट वगैरह ने मिलकर रिचर्ड चेस के बारे में और जानकारी इकट्ठी की, उसको समझा, तो वो समझ गए कि भैया इसका दिमाग जो है ना वो अलग तरीके से ही काम कर रहा है, और इस इंसान को सुधारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये हॉस्पिटल में ऑलरेडी एक लंबे समय से रह
चुका है, इसके मानसिक रोग का इलाज चल चुका है, ये तब भी सही नहीं हुआ। तो फाइनली रिचर्ड चेस को मौत की सजा दी गई, वो भी गैस चेम्बर वाली सजा, जहां पर एक इंसान को एक कमरे में बंद करके जहरीली गैस छोड़ दी जाती है जिससे वो तड़प तड़प कर मर जाता है। मतलब लिटरली जब मैं इस वीडियो को बनाने के लिए रिचर्ड चेस के बारे में थोड़ी स्टडी कर रहा था तो मुझे भी बहुत अजीब सा ही लगने लग गया था। मुझे लग रहा था कि आखिर क्यों ही मैं इस इंसान के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। मतलब कोई इतना ज्यादा डेंजरस, इतना ज्यादा अनह्यूमन कैसे हो सकता है। तो भैया रिचर्ड चेस तो जा चुका है ऊपर, लेकिन उसकी कहानी से हमको कुछ सीखने को जरूर मिलता है, और वो ये कि अपने घर के दरवाजे हमेशा लॉक करके रखो, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके घर में कब कौन पागल सनकी साइको घुस जाए। वैसे तो रिचर्ड चेस का भी एक स्पेशल नाम है कातिलों की हिस्ट्री में, इसको रियल लाइफ वैम्पायर कहा जाता है। लेकिन इस नाम में ना कुछ इमोशन नहीं है, क्योंकि रिचर्ड ने कांड ही कुछ ऐसे किए थे कि उन कांडों के आधार पर उसका नाम कुछ इतना यूनिक होना चाहिए जो एकदम दिल को छू जाए। मेरे दिमाग में एक नाम आ रहा है जो है चूसक चेस, क्योंकि खून चूसता था और सरनेम इसका चेस था। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में इससे भी ज्यादा बढ़िया कुछ नाम आ रहा है, तुम्हारी क्रिएटिविटी उछाल मार रही है, तो मुझे नाम कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं तुमको बताने वाला हूं एक और क्रिमिनल घटना, और ये वाली घटना सुनना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे तुम्हें कुछ ज्यादा ही खास चीज सीखने को मिलेगी। लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको एक चीज बताना चाहता हूं, ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। बेसिकली हमारे जो चैनल है गौरव कटारे, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, उसको 14 साल हो चुके हैं, 14 ईयर्स। ये चैनल खोला गया था 2010 में। हालांकि इसमें जो पुराने वीडियोस डाले गए थे वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उनको मैंने प्राइवेट कर दिया, क्योंकि वो इतने निहायत ही घटिया वीडियो थे जिन्हें अभी देखने में मुझे खुश शर्म आती है। तो मुद्दे की बात ये है कि भैया बहुत सारे लोग इस चैनल पर शायद 10 साल से ज्यादा से जुड़े हुए होंगे, कुछ लोग 6 साल से मुझे देख रहे हैं, कुछ लोग शायद से 3-4 साल से जुड़े हुए हैं, और वाकई में ये एक बहुत लंबा टाइम ड्यूरेशन होता है। तो भैया सबसे पहले तो आपको तारीफ करनी चाहिए मेरी, जो मैं इतने लंबे समय से वीडियोस बना रहा हूं आप लोगों के लिए, और आपकी भी तारीफ तो बनती है भैया, आप इतने लंबे टाइम से मुझे झेल रहे हो। तो भैया जो लोग बहुत लंबे टाइम से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं, मेरा कंटेंट देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, उन सबको दिल से शुक्रिया। और जो लोग अभी अभी नए नए जुड़े हुए हैं, तुम लोग ज्यादा टेंशन मत लो भैया, इस चैनल का कंटेंट इतना एडिक्टिव है कि इसको देखते देखते 8-10 साल कब और निकल जाएंगे तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो चलो जरा अपनी अगली घटना पर नजर डालते हैं। ये घटना है 2018 की। मैक्सिको में एक महिला सुबह सुबह वॉक कर रही थी, ठंड का मौसम था, तभी सामने से उसे एक लड़की आते हुए दिखाई दी जिसकी उम्र होगी करीब 13 साल। उस लड़की के कपड़े फटे हुए थे, उस महिला के पास जाकर उसने मदद मांगी। महिला ने तुरंत पुलिस को बुला लिया और पता चला कि वो जो लड़की थी उसका नाम था जेमी क्लॉस, और इस लड़की को 87 डेज से एक आदमी ने किडनैप करके रखा था, वो भी उसके घर से 70 माइल्स दूर। वो तो एक रात वो आदमी थोड़ा सा नशे में था, तो भैया इस लड़की को भागने का मौका मिल गया, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि वो कौन सी जगह पर है, तब उसने जाकर उस महिला से मदद मांगी। तो भैया मैक्सिको की पुलिस बड़ी ही एक्सपर्ट थी, उन्होंने तुरंत उस किडनैपर को पकड़ लिया, उसका नाम था जेक पैटरसन। जब पुलिस ने पूछा कि भैया तुमने ऐसा कांड क्यों किया, इस लड़की को तुमने क्यों अगवा किया, इसके पेरेंट्स से तुमने कितने पैसे मांगे, तो उसने बोला इस लड़की के पेरेंट्स को तो मैंने ऊपर पहुंचा दिया है। पुलिस का दिमाग घूम गया, पुलिस ने बोला ऐसा तुमने क्यों किया, उन लोगों से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी, तो उसने बोला मैं तो इसके पेरेंट्स को जानता तक नहीं था, इस लड़की को भी नहीं जानता था, वो तो एक दिन ये स्कूल जा रही थी, स्कूल बस में चढ़ रही थी, मैं भी अपनी जॉब पर जा रहा था, मेरी नजर इस पर पड़ी और मुझे लगा कि मुझे ये लड़की चाहिए, फिर मैंने इसका पीछा किया, मैं इसके घर गया, इसके पेरेंट्स को मारा, इसको किडनैप किया। जब पुलिस ने जेक पैटरसन की बात सुनी तो उनको यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये जो जेक नाम का बंदा था इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, इसने पहले कभी कोई गलत काम नहीं किया था, ये नॉर्मल सा एक बंदा था जो नौकरी करता था, इस लड़की को देखकर ही इसके दिमाग में ये क्राइम आया। हालांकि जेक पैटरसन को पकड़कर जेल में डाल दिया गया, लेकिन इस कहानी से, इस घटना से हमको ये समझ में आता है कि आप गैस नहीं कर सकते कि आपके आसपास मौजूद कोई भी व्यक्ति जिसने कभी भी कोई क्राइम ना किया हो, कोई गारंटी नहीं है कि वो आगे क्राइम ना करे। आपको नहीं पता चलेगा कि किस बात से उसके दिमाग में क्या ख्याल आ जाए, किस लड़की को देखकर कोई आदमी क्या क्राइम कर डाले। मतलब लिटरली ये वाला जो केस था, इसके बाद से तो किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना ठीक नहीं है। मतलब लिटरली पैटरसन ने ये जो काम किया ना, ये हमारे देश में, हमारे एरिया में तो इसको गेवलापन ही बोलते हैं, और ऐसे लोगों को बोलते हैं गेवला, तो शायद से इसका कुछ नाम देना चाहिए। इसका नाम था जेक पैटरसन, तो मैं इसको कहूंगा पगला पैटरसन, जिसने एक लड़की के चक्कर में फालतू में अपनी पूरी लाइफ खराब कर दी और साथ ही उस लड़की की भी लाइफ खराब कर दी। तो भाई आपको इस पगले पैटरसन की कहानी कैसे लगी, मुझे कमेंट करके
जरूर बताना, ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। और अगर आपने पहली बार इस वीडियो को देखा है, इसके पिछले 3 पार्ट्स नहीं देखे, तो भैया बहुत खतरनाक खतरनाक कातिलों को मिस कर रहे हो तुम। जाकर पूरे पार्ट्स देखो, 1, 2, 3। आपको ऐसे ऐसे सीरियल किलर्स के बारे में पता चलेगा जिनके बारे में जानने के बाद आपका भेजा फट जाएगा। और अगर आपका भेजा ना फटे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी सीरीज के और भी पार्ट्स आने वाले हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। किसी भी अननोन व्यक्ति पर भरोसा मत करना। सावधान रहो, सुरक्षित रहो। मिलते हैं अगले तगड़े वीडियो में।